रेल पटरी पर गर्भिणी गाय और शैतान शेर की कहानी। जंगल के एक कोने में एक गर्भिणी गाय माया और उसका पति भोलू खुशी खुशी रहते थे। माया जल्द ही माँ बनने वाली थी और इस बात से वे दोनों बेहद उत्साहित थे। उसी जंगल के किनारे एक पुरानी रेल की पटरी थी जहाँ कोई जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस इलाके में एक शैतान शेर राका का साया है। वह हर उस प्राणी को अपने काले जादू से पटरी पर फंसा देता था और जैसे ही ट्रेन गुजरती वह उसकी आत्मा को निगलकर और भी शक्तिमान बन जाता था। सभी जानवर राका के आतंक से डरते थे और इस इलाके से बचते थे। एक दिन माया जंगल के किनारे घास चर रही थी। उसकी आंखों में अपने होने वाले बच्चे के सपने थे। तभी राका की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। अरे वाह, ये तो गर्भिणी गाय है। अगर इसे मार दूं, तो मुझे दो आत्माएं मिलेंगी। इससे मेरी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएंगी। इसे फंसाने के लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। राका ने अपनी जादुई शक्तियों से माया के पति भोलू का आभास पैदा कर दिया, जो रेल की पटरी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। माया, मुझे बचाओ, मैं पटरी पर फंस गया हूँ, ट्रेन आने वाली है। माया अपने पति की आवाज सुनकर घबरा गई और दौड़कर उसकी ओर भागी, लेकिन गर्भिणी होने की वजह से वह जल्दी थक गई थी। जैसे ही वह पटरी के पास पहुंची, भोलू गायब हो गया और उसकी जगह शैतान शेर राका आ गया। राका ने माया को अपनी जादुई शक्तियों से पकड़ लिया और उसे पटरी पर फंसा दिया। अब मैं तेरी बलि देकर और भी शक्तिमान बन जाऊंगा। ट्रेन आने में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। माया चिल्लाने लगी पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जंगल का राजा दारा शेर। उसी वक्त माया की आवाज जंगल के राजा दारा शेर के कानों तक पहुंची। वह माया की मदद के लिए तेजी से भागा। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि माया पटरी पर फंसी हुई है और राका उसके पास खड़ा है। राका, ये क्या कर रहा है? माया को छोड़ दे। तू यहाँ कुछ नहीं कर सकता दारा, मेरी जादुई शक्तियों के आगे तेरी ताकत कुछ भी नहीं। दारा ने माया को बचाने की कोशिश की, लेकिन राका ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे दूर फेंक दिया। दारा निराश हो गया। तभी उसे याद आया कि जंगल के बुड्ढे बंदर कामरू चाचा को राका के बारे में सब कुछ पता था। दारा तुरंत कामरू चाचा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। कामरू चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दारा, राका की जान एक पुराने कुएं में छिपी है, एक छिपकली में है, लेकिन वह कोई साधारण छिपकली नहीं है। जो भी वहां जाता है, वह छिपकली बड़ी होकर उसे खा जाती है। उसे हराने का एक ही तरीका है, उसकी पूंछ काट दो। जैसे ही उसकी पूंछ कटेगी, राका की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और फिर तुम उसे हरा सकते हो। दारा ने बिना समय गवाए घने जंगल की ओर रुख किया। उसे वह पुराना कुआं ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुएं के पास पहुंचकर वह चारों ओर छिपकली को ढूंढने लगा। अचानक एक छोटी सी छिपकली प्रकट हुई और देखते ही देखते बड़ी होकर दारा पर जादुई वार करने लगी। मैं इसे कैसे हराऊं? ये तो बहुत शक्तिशाली है। तभी दारा की नजर कुएं के पास पड़ी एक पुरानी खंजर पर पड़ी। उसने झट से खंजर उठाई और छिपकली की पूंछ काट दी। जैसे ही पूंछ कटी, छिपकली मर गई और राका की सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। उधर माया अब भी पटरी पर फंसी हुई थी और ट्रेन का हॉर्न सुनाई देने लगा था, लेकिन जैसे ही राका की शक्तियां खत्म हुई, माया की जंजीरें टूट गईं और वह पटरी से बचकर भागने लगी। दारा भी वहां से वापस
जंगल की ओर दौड़ा ताकि वह राका का अंत कर सके। दारा जंगल में वापस आकर सीधा राका के पास पहुंचा। माया रास्ते में उससे मिली और रोते हुए बोली, दारा तुमने मेरी जान बचाई, अब राका को छोड़ दो, उसकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। नहीं माया, अगर मैंने उसे आज छोड़ दिया तो वह फिर से शक्तियाँ हासिल कर लेगा और हम सबकी जान खतरे में डाल देगा, उसे अब खत्म करना ही होगा। दारा ने राका को ललकारा। राका ने गुस्से में आकर दारा पर हमला किया, लेकिन बिना जादुई शक्तियों के वह कमजोर हो चुका था। दारा ने उसे आसानी से पछाड़ दिया। राका जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन दारा ने एक जोरदार दहाड़ के साथ उसे हमेशा के लिए डरकर भगा दिया। राका के भाग जाने के बाद जंगल के सभी जानवर राहत की सांस लेने लगे। माया और भोलू अब बिना किसी डर के अपने आने वाले बच्चे का इंतजार कर सकते थे। सभी जानवर दारा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। दारा भाई, तुमने हमारी जान बचाई, अब जंगल में फिर से शांति आ गई है। धन्यवाद दारा, तुम ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता। यह मेरा कर्तव्य था, अब इस जंगल में फिर से कोई शैतान शेर या कोई खतरा नहीं होगा, हम सभी मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। और इस तरह जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। माया और भोलू अपने बच्चे के जन्म की तैयारी करने लगे और सभी जानवर एकजुट होकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। गर्भवती गाय ने अपने बछड़े को तेंदुए के हमले से बचाया। चंपक वन जंगल में एक बड़ा ही दुष्ट चीता रहता था। वो हमेशा दूसरे जानवरों के बच्चों को उठा कर ले जाता और उन्हें बेरहमी से खा जाता। कुछ दिन पहले एक हिरन के घर पर एक प्यारे बच्चे का जन्म हुआ। उनके घर पर इस बात की खुशियां मनाई जा रही थी कि तभी वहां चीता धमक पड़ा। बहुत मना ली खुशियां, अब ये मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है। तो चीते, मेरे बच्चे को खाने के बारे में सोचना भी मत, इन पापों की सजा तुम्हें यही भुगतनी पड़ेगी। कौन देगा मुझे सजा, तुम जैसे कमजोर जानवर। लाओ वो बच्चा मुझे दे दो, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। दुष्ट चीता जबरदस्ती उस नन्हे बच्चे को लेकर वहां से चला गया। हिरन के परिवार की खुशियां दुख में बदल गई, पर वो कुछ भी ना कर पाए। उस दुष्ट शक्तिशाली चीते के सामने वो लोग सच में कमजोर थे। हिरन बेचारी रोते बिलखती रह गई, पर उसका दुख कम करने का किसी के पास कोई तरीका नहीं था। सारे बस उस पर दया ही दिखा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद उस चीते ने लोमड़ी के बच्चे को भी उठा लिया, कभी भालू के बच्चे का शिकार किया और उन्हें खा लिया। इस तरह सारे जंगल वासी अब चीते की हरकत से परेशान हो चुके थे। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, कोई भी अब इसकी वजह से खुश नहीं रह सकता। पर हम अब करें भी तो क्या, हम बिल्ली मौसी से बात कर सकते हैं, शायद वो ही हमारी मदद करें और इस चीते को समझाएं। सब लोग बिल्ली के पास जाकर उससे चीते को समझाने की विनती करते हैं। बिल्ली भी उसकी हरकतों से परेशान थी, वो भी उसे समझाने की कोशिश करने का वचन देती है। चीते, ओ चीते, कहीं अपनी बिल्ली मौसी को भूल तो नहीं क्या? अरे मौसी, कहाँ बुढ़ापे में यहाँ वहाँ घूम रही हो, घर पर बैठो और आराम करो, क्या आने जाने की जरूरत पड़ गई? अब तुमने काम ही ऐसे किए हैं बेटा कि मुझे यहाँ आना पड़ा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, दूसरे जानवर के बच्चों को खाना बंद कर दो, ऐसा करने से तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ओहो, तो बिल्ली मौसी वकालत करने लगी, निकल जा बुढ़िया मेरी आंखों के सामने से, वरना बच्चे की जगह इस बार बूढ़ी को खा जाऊंगा। चीते के तेवर देखकर बेचारी बिल्ली भी घबरा जाती है और वो तुरंत वहां से भाग निकलती है और लौटकर सारे जानवर से चीते की कही बात सुनाती है, जिसे सुनकर सारे जानवर अपनी आशा खो देते हैं। बड़े ही दुखी मन से सब अपने अपने घर को लौट जाते हैं। उसी जंगल में एक गाय भी रहती थी। कुछ ही दिनों बाद दूसरे जंगल से उसकी गर्भवती बहन उसके पास रहने चली आई, जिसे देखकर गाय को खुशी तो हुई लेकिन उसकी बहन के लिए उसे डर भी लगा। क्या हुआ दीदी,
तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? मेरी गर्भावस्था में मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। अरे नहीं नहीं बहन, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं तुम्हारे लिए चिंतित भी हूँ। ये कहकर गाय ने अपनी गर्भवती बहन को जंगल की हालात बता दिए, खासकर उस चीते के बारे में। गाय ने अपनी बहन को बताया कि यहाँ रहने पर उसके आने वाले बच्चे को काफ़ी खतरा है। ये सुनते ही वो गर्भवती गाय को काफ़ी चिंता हो उठी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर अब मेरी हालत ऐसी है कि मैं कभी भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, इसलिए मेरा वापस लौटकर जाना मुश्किल है। ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ, अब जो होगा देखा जाएगा, हम मिलकर हमारे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। गाय ने अपनी उस गर्भवती बहन को अपने पास रख लिया और उसकी खूब सेवा करने लगी। दो ही दिन में उस गर्भवती गाय के पेट में दर्द होने लगा। वो समझ गए कि अब उसका बच्चा जन्म लेने वाला है। उसने तुरंत ये बात अपनी बहन को बताई। बहन, मेरी हालत तो खराब होती जा रही है, पर मुझे अपने बच्चे से ज्यादा उस चीते की चिंता सता रही है। तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो और अपने बच्चे पर ध्यान दो। चीता तुम्हें नहीं पहचानता और वो ये नहीं जानता कि तुम इस जंगल में हो। हमने ये बात सबसे छुपा कर रखी है। फिलहाल तो तुम उससे सुरक्षित हो, इसलिए उसकी चिंता छोड़ दो। अपनी बहन की बात सुन उस गर्भवती गाय की चिंता थोड़ी कम तो हुई। कुछ ही देर में उसने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। वो अपने बच्चे को बड़े प्यार से पुचकार रही थी, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसे डर था कि कहीं चीता ना आ जाए। उसने मन ही मन ये तय किया कि जो भी हो जाए वो अपने बच्चे को उस दुष्ट चीता से बचा के ही रहेगी। ऐसे ही दो दिन गुजर गए और बच्चा अभी भी सुरक्षित था, लेकिन एक माँ का दिल अभी भी उसके लिए चिंतित था। अभी तक तो मेरा बच्चा उस दुष्ट से बच गया, लेकिन मुझे अभी भी उसका डर सता रहा है। ना जाने वो कब आ जाएगा और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जाएगा। मुझे उसके साथ लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। माँ का डर सही साबित हुआ। दो तीन दिन बाद चीते को ना जाने कहाँ से ये नए जन्मे बच्चे की खबर मिल गई। वो तुरंत उसका शिकार करने गाय के घर आ पहुँचा। गर्भवती गाय की बहन सबके लिए खाना लाने बाहर गई थी, इसीलिए वो गर्भवती गाय अपने बच्चे के साथ अकेले घर पर थी। सामने चीता खड़ा देख उसने तुरंत अपने बच्चे को अपने पीछे कर लिया। उसकी इस हरकत को देखकर चीता जोर जोर से हंसने लगा। उसका कोई फायदा नहीं, तेरे बच्चे को तो मैं उठा कर ले ही जाऊंगा और तू उसे नहीं बचा पाएगी। तू एक कमजोर जानवर है, मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। मैं एक माँ हूँ दुष्ट, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ की शक्ति को कम मत समझना, उसे ले जाने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, यही सही, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं तुम्हें मार कर ही तुम्हारे बच्चे को खाऊंगा। बच्चे को जन्म देने के कारण गाय अभी भी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन सामने अपने बच्चे के लिए मुसीबत खड़ी देख न जाने उसमें कैसे ताकत आ गई, जो वो सीधा उस दुष्ट से जा मिली। चीते ने अपने नुकीले पंजों और दांतों से लगातार गाय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गाय अपने नुकीले सींगों से उस पर वार करती रही। गाय का हमला इतना शक्तिशाली और जोरदार था कि चीते को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आखिरकार गाय ने अपना एक सींग उसके पेट में घुसा ही दिया और खींच कर बाहर निकाल लिया, जिस वजह से चीता लहूलुहान हो गया और दर्द के मारे तड़पने लगा। वो इतनी जोर जोर से चीख चिल्ला रहा था कि आसपास के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए और उनकी आंखों के सामने का नजारा देखकर हैरान हो गए। अरे ये कैसे हो गया, इस दुष्ट को किसने मारा? अरे वो देखो, उस गाय के सींग पर खून लगा है, यानी ये काम इसी का है। पर इसने ये किया कैसे? देखो उसके पीछे एक नन्ना बच्चा है, शायद उसे बचाने के लिए ही गाय ने ये सब किया। उन सब की आंखों के सामने चीते ने तड़प तड़प कर अपनी जान दी थी, पर उसके मरने का ना किसी को गम था और ना ही अफसोस। सब लोग उसके मरने की खुशी मनाने लगे। तब तक उस गाय की बहन भी घर लौट चुकी थी और उसे पूरा माजरा समझ आ गया था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा बहन, तुमने ये सब किया, वो भी अकेले। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है बहन कि ये सब मैं कर पाई, पर अपने बच्चे को बचाने के लिए ना जाने मुझ में इतनी ताकत और हिम्मत कहाँ से आ गई। काश ये हिम्मत हम में से किसी ने दिखाई होती, पर खैर
जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, इस दुष्ट को अपने पापों की सजा मिल ही गई। गर्भवती गाय ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। सबने उसके इस काम के लिए उसकी जमकर तारीफ की और उसे हमेशा के लिए अपने साथ उसी जंगल में रहने को कहा। गर्भवती गाय ने उस चीते के हमले से अपने बच्चे को बचा लिया था। एक माँ की ताकत के सामने उस दुष्ट को हार माननी ही पड़ी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ की ताकत के सामने बाकी सारी बुराइयाँ फीकी पड़ जाती हैं।